नमस्कार, मैं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रांसपोर्टरों और स्कूल बस एसोसिएशन की हड़ताल से थमी मुंबई। आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और महाराष्ट्र स्कूल बस एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से करीब 8000 स्कूल की बसें मुंबई की सड़कों से नदारद रही। इस वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ाने की बात ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसकी वजह से रोज़मर्रा की आम ज़रूरत की चीज़ों की किल्लत होने की संभावना है। दूध, अनाज, सब्जियां जैसी ज़रूरत की चीज़ें महंगी हो सकती है। इस हड़ताल से प्रतिदिन करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इनकी मुख्य मांगे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती हो, मूल्य वृद्धि असमय ना हो और हर निश्चित समय के बाद संशोधन हो, देश में ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई टोल ना हो, बीमा प्रीमियम में GST में छूट दी जाए और बसों और टूरिस्ट वाहनों को नेशनल परमिट दिया जाए। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, प्रतिक्रिया जानने के लिए NCP के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक जी से हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। नवाब मलिक जी, ये हड़ताल क्या जायज कहेंगे आप, या सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी, या क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से कोई परेशानी है या इनकी परेशानी, इन्होंने अपनी परेशानी को लेकर के हड़ताल शुरू की ट्रांसपोर्टर्स ने? देखिए, पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था जी। उनकी मांग थी कि रस्तों की खराब हालत है जी, रोड टैक्स लेते हैं फिर भी उन्हें टोल अदा करना पड़ता है जी, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, उसकी तुलना में उन्हें जो मुआवजा या बिजनेस होना चाहिए नहीं होता, कुछ मांगी थी जी। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समय पर बैठ के चर्चा करे, समाधान करे, उनकी मांगों का निराकरण करे, लेकिन सरकार सभी चीजों में इसी तरह की भूमिका लेती है। कल तक दूध काम नहीं हो रहा था, अंत में सरकार ने बैठकर 5 रुपए कीमत बढ़ाई जी। तो ट्रांसपोर्टरों के साथ भी बैठक करनी चाहिए, उनकी मांगों को सुनना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए, लेकिन सरकार जनता जब तक परेशान ना हो, जिंदगी ठप ना हो जाए जब तक सरकार नहीं जागती। हमें लगता है बस नदारत है, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियां हो रही है जी। अगर ट्रांसपोर्ट इसी तरह से ठप रहा जी, तरकारी, दूध, सारी चीजों के दाम शहर में बढ़ने लगेंगे और किसानों का बड़ा नुकसान होगा जी। सरकार को चाहिए तत्काल बैठक बुलाकर मांगों को सुने और उसमें कोई रास्ता निकाले जी। और हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती, मूल्य वृद्धि समय न हो और हर निश्चित समय के बाद संशोधन हो, देश में ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोई टोल ना लगे, बीमा प्रीमियम में GST में छूट दी जाए और बसों तथा टूरिस्ट वाहनों को नेशनल परमिट दिया जाए, इतनी सारी मांगे हैं ट्रांसपोर्टर्स की, तो क्या आप इन मांगों को जायज बताएंगे, ठहराते हैं? मैं देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम को लेके सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं, पूरे देश की जनता तराई तराई कर रही है। लोगों का कहना है कि आप इसको GST के दायरे में लाइए। राज्य सरकारों का टैक्स हो, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी हो, इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं लोगों के पहुंच से बाहर हो जा रही है, तो उसको लेकर सरकार GST में लागू कर सकती है। जब रोड टैक्स लिया जा रहा है और उसी सड़क पे चल रही है तो आप टोल भी वसूल करते हैं। अगर आपको रोड का टैक्स लेना ही है टोल के द्वारा, तो वो टैक्स एक कहीं छूट देनी चाहिए जी। बहुत सारी जो मांगे हैं और हर दिन डीजल के दाम बढ़ते घटते हैं, तो ट्रांसपोर्टर अपना किराया तय नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं 15 दिन, 1 महीना कोई एक बैरियर तो होना चाहिए कि कब घटेगा कब बढ़ेगा। बाजार के हवाले आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ रखा है, लेकिन हर रोज टैक्सी, बस, ट्रांसपोर्ट वाले अपने दाम बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम बनना चाहिए। मांगे जायज है, लेकिन अगर मांगे उन्हें नाजायज लगती है या मांगों को कुछ माना जा सकता है, तो सरकार की जिम्मेदारी है बैठक बुलाए और रास्ता निकाले। और ये जो इन्होंने पहले से चेतावनी, जून महीने में चेतावनी दी थी कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हर किसान जब आंदोलन की बात करता है तो सरकार खामोश बैठी रहती है। दूध के किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसान खामोश बैठे, सरकार खामोश बैठी रहती है। उसी तरह से ट्रांसपोर्टर भी अगर चेतावनी, अल्टीमेटम दे रहे हैं तो बुलाना चाहिए, बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, मांगे रास्ते हैं तो माननी चाहिए, लेकिन सरकार जब तक परिस्थितियां बिगड़ ना जाए सरकार जागती नहीं, यही सरकार का गलत तरीका है।
सरकार को चाहिए कि जो कोई मांग लेकर आए उनके साथ बैठे सुने और जो उचित निर्णय हो सकता है निर्णय करे, या उन्हें भी समझाने का प्रयास करें कि ये सारी मांगे नहीं, कुछ मांगे पूरी हो सकती है। जब तक जनता परेशान ना हो, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, ये जो भूमिका है ये सरकार की गलत है। जी बिल्कुल जी, अंत में जनता को ही परेशानी होती है। दूध के दाम बढ़ा, अनुदान देने की मांग उन्होंने की थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मार्केट में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं दूध विक्रेताओं ने। तो ले देकर जो कुछ भी है, ट्रांसपोर्टर्स हो या दूध किसान हो, तो सरकार जो है लास्ट में जनता पर ही धकेल देती है, जनता की जेब से ही पैसे जाते हैं। तो बिल्कुल अभी इन्होंने स्ट्राइक शुरू किया है, इसका असर कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। दूध का असर भी देखे जाना लगा था मुंबई में, तो अच्छा हुआ कल उनके बीच समझौता हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब जानकारी देने के लिए। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।